दोस्तों, अगर आपके पास मोटोरोला एज 50 5G फ़ोन है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फ़ोन में अगर आप OTG लगाना चाहते हैं, यानी बाहर से आप इसमें पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी भी फ़ोन में लगाते हैं तो ये जल्दी सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। चलिए आपको दिखा देते हैं वो सेटिंग क्या है, आपको क्या करना है। आपको देखिए इस टाइप से USB लेना है अपना, और यहाँ पर अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सबसे नीचे आपको चले जाना है, यहाँ पर आपसे मिलेगा अबाउट फ़ोन का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसमें सबसे नीचे जाना है, बिल्ड नंबर दिखाई देगा, बिल्ड नंबर पे 7 बार आपको टाइप करना है जल्दी जल्दी। हमने यहाँ पर कर रखा है तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है। अब फिर एक बार आपको बैक जाना है, यहाँ पर देखिए सिस्टम दिखाई देगा, सिस्टम पर क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, तो डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे, एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको USB डीबगिंग, ये देखिए हमने इनेबल किया हुआ है। जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका पेन ड्राइव लगाएंगे तो ये लग जाएगा। अभी आपको हम लगा के दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए पेन ड्राइव को हम लगा दे रहे हैं और ऊपर जो है ये शो कर जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए शो करेगा, यहाँ पर अभी USB बन के आएगा, उसको ये देखिए बन के आ चुका है ऊपर। अब इसको हम इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर डिस्क IMG लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे। देखिए जितने भी फोल्डर आपके पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में होंगे सब आपको शो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक बार सेट कर देंगे, आपको बार बार सेट करना नहीं पड़ेगा।